Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड नए चैप्टर का नाम है कैश बुक। मैंने बोला था पहले कि मैं ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करवाऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा सीक्वेंस में जाना ही ठीक रहेगा एंड एज पर द डिमांड ऑफ यू ऑल आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर कैश बुक ओनली फ्रॉम टुडे। ठीक है, द बुक वी आर रेफरिंग हियर इज टी एस ग्रेवाल। आज ये जो लेक्चर होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं, दिस विल बी अ प्योर थ्योरी लेक्चर। मैं आपको इसमें पूरी जो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन, क्वेश्चन वाला पोर्शन शुरू करने से पहले का नॉलेज है, थ्योरी है, वो मैं आज इस लेक्चर में आपको देने वाली हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस जब हो जाएंगे तब फिर से थोड़ी सी थ्योरी आएगी एंड देन क्वेश्चन। ठीक है, सो इट विल बी अ मिक्स ऑफ व्हाट, मिक्स ऑफ क्वेश्चंस एंड मिक्स ऑफ थ्योरी। ठीक, बट दिस लेक्चर विल बी अ प्योर थ्योरी लेक्चर। मैं आपका टी एस ग्रेवाल से मार्किंग कराऊंगी कहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, चलो लेट्स बिगिन। आ जाओ जी अपने चैप्टर नंबर 10 पे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 का नाम है स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक। मतलब इस वाले में हम सिर्फ और सिर्फ कैश बुक पढ़ने वाले हैं इस वाले चैप्टर में। ठीक, तो कैश बुक होती क्या है, आप एक बात बताओ। मैंने आपको जब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग समझाया था, तब मैंने आपको बताया था ना कि बिल से, मतलब वाउचर एंड बिल के थ्रू हमारे बिल के थ्रू हमारे वाउचर बनते हैं, वाउचर के थ्रू हमारी जर्नल एंट्रीज बनती है। अब जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, या तो एक हो सकता है कि आप बहुत मोटी मोटी बुक्स मेंटेन करो जर्नल बनाने के लिए कि भैया इतनी मोटी मोटी 5 बुक्स बनी हुई हैं, या फिर ऐसे कर सकते हो आप कि आपकी ट्रांजैक्शन मेनली क्या होती है। देखो, या तो बिजनेस कुछ खरीदता है, या तो बिजनेस कुछ बेचता है, या तो बिजनेस कैश की ट्रांजैक्शन करता है, या तो सेल रिटर्न होती है, या तो परचेज रिटर्न होती है। तो ये क्यों ना करें कि हम सबकी अलग अलग बुक बना दें। परचेज की बुक अलग हो गई परचेज की ट्रांजैक्शन के लिए, सेल की बुक अलग हो गई सेल्स क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक, और कैश बुक अलग हो गई जिसमें हम सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखेंगे। अब आप खुद सोचो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है। मैंने कैश में परचेजेस करी, कैश रिलेटेड है, बुक कैश बुक में आएगी। मैंने सेल्स करी कैश में, ठीक, बेचा सामान एंड कैश लिया, तो कैश बुक में आएगी। मैंने कैश डिपॉजिट करा बैंक में, मैंने कैश विड्रॉ करा बैंक से, सारा कैश बुक में आएगा। मैंने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करी कैश में, हमारा कैश बुक में आएगा। मैंने किसी डेटर से पैसे रिसीव करे, हमारा कैश बुक में आएगा। मैंने मशीन परचेज करी तो मेरा पैसा गया, तो ऑब्वियसली जहाँ भी कैश इफेक्ट होगा, जहाँ भी आपका अमाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस आपकी कहाँ आएंगी, कैश बुक में ही आएंगी। ठीक, तो हमारी बुक्स तो बहुत सारी हैं जो हम नेक्स्ट वाले, एक चैप्टर ऐसा है देखो जिसमें सिर्फ कैश बुक समझाई गई है। क्यों सिर्फ कैश बुक समझाई गई है, आप देखोगे कैश बुक में भी ना इन्होंने एक तरीके की कैश बुक नहीं बनवाई है। और बच्चे, जब भी आप ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो प्लीज अपने माइंड में रखिएगा, आप बस अपने माइंड में बस ये रखिएगा कि मैम ना कैश अकाउंट, एक सेकेंड, आप अपने माइंड में ये रखिएगा कि मैं ना कैश अकाउंट की बात कर रही हूँ। अभी हम ताज़ा ताज़ा लेजर चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो आपको उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद है। तो प्लीज़ आप बस अपने दिमाग में यही रखना, जब मैं थ्योरी भी पढ़ाऊँ ना, और आपका बिल्कुल ईजी बन जाएगा चैप्टर। कैश क्या होती है, असेट होती है ना, कैश, कैश इज असेट। तो मुझे ये बताओ, असेट का इंक्रीज डेबिट होगा एंड असेट का डिक्रीज क्रेडिट होगा। मतलब जब जब हमारा पैसा बढ़ेगा तब हम उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, जब जब हमारा पैसा कम होगा किसी भी कारणवश, किसी भी ट्रांजैक्शन के कारण, तो हम उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने इतना क्लियर रख लिया, कैश बुक विल बी वेरी इजी फॉर यू। अब ये चैप्टर क्यों अलग दिया है, मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर इसलिए अलग दे रखा है, एक तो लेंदी नहीं करना था, दूसरा बात कैश बुक को अलग इसलिए दिया गया बिकॉज कैश बुक में वो आपको एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक बनवाएंगे कि आप बस बिजनेस में ये अज्यूम करिए आपका गल्ला है कैश जहाँ पे पड़ी रहती है, और उसकी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करिए किसके थ्रू, कैश बुक के थ्रू। एंड व्हाट इज कैश बुक, कैश बुक इज अ काइंड ऑफ कैश अकाउंट ओनली, कैश का लेजर होता है वो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आगे जाके कुछ क्वेश्चंस बाद बोलेंगे, डबल कॉलम कैश बुक बना दो। अब आप कहोगे डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, तो डबल कॉलम कैश बुक का मतलब है बेटा कैश का अकाउंट तो बनाओगे ही बनाओगे, उसी अकाउंट के साथ आपको बैंक का खाता मेंटेन करता है ना, बिजनेस करंट अकाउंट खुलवाता है अपना, उसकी ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करनी है एक ही अकाउंट में। सोचो एक ही बुक के फॉर्मेट में आपको कैश की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करनी है, बैंक की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करनी है, उसमें फर्क कितना पड़ेगा, ये जो कैश का कॉलम दिख रहा है उसके पास यहाँ पे बैंक का भी बन जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं, बस ट्रांजैक्शन
इंस्ट्रक्शन बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, इसलिए उन्होंने एकदम अलग से चैप्टर बना के दे दिया है। और हमारी 3 कॉलमनर कैशबुक भी होती है जिसमें 3 कॉलम बनते हैं। 3 कॉलम कैसे बेटा? एक तो दुकान का गल्ला, वो तो रहेगा ही, देखो कैश का कॉलम तो हमेशा रहेगा, सिंगल में कैश कॉलम एंड डबल में कैश कॉलम प्लस बैंक का एक खाते का कॉलम। एंड 3 कॉलमनर कैशबुक में क्या होता है, हमारा एक तो हो गया गल्ले का कॉलम एंड 2 बैंक के कॉलम होते हैं, क्योंकि अज्यूम करा जाता है कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं ना कि मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट्स खुलवा रखे हैं, तो उनकी सबके ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड करी जाती हैं। ठीक है, चलो अभी तो फिलहाल हमें उसके इतना डीप नहीं समझना है, अभी हम ये समझते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है, बेसिक फटाफट से निपटाते हैं, देन अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, क्या लिखा है, क्या पढ़ाने वाले हैं ये हमें इस वाले चैप्टर में? दिस चैप्टर वुड एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, ये तो मैम आप कटवा देती थी, देख लो ना आपका आइडिया हो जाएगा क्या क्या आने वाला है। मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, अभी मैंने आपको बताया ना कि जर्नल के लिए आप इतने मोटे मोटे जर्नल के रजिस्टर मेंटेन कर लो, या तो आप अलग से सबकी बुक्स मेंटेन कर लो, तो उन्हीं बुक्स को कहा जाता है सब्सिडरी बुक्स, उसका मतलब बताएंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स बताएंगे, क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कितने टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स होंगी, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सारी चीजें। ठीक है, और उसमें बताएंगे भैया इस वाली बुक में क्या रिकॉर्ड करना है, उस वाली बुक में क्या रिकॉर्ड करना है, ये इंफॉर्मेशन देंगे। फिर अच्छा, सब्सिडरी बुक्स को डिवीजन ऑफ जर्नल, सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी कहा जाता है, इसलिए उन्होंने यहां पे लिख दिया कि भैया क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स या सब डिवीजन ऑफ जर्नल की बातें करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स के क्या एडवांटेजेस हैं, आप खुद ही समझ पाओगे क्या एडवांटेजेस है, इतनी मोटी मोटी बुक मेंटेन करोगे कहाँ से देखोगे सारी चीजें, और एक ही बुक मेंटेन होगी तो अगर परचेज की कोई ट्रांजैक्शन देखनी है तो सिर्फ जाके परचेज की बुक उठाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा मीनिंग एंड फीचर ऑफ कैश बुक, अब भैया चैप्टर पे आ जाते हैं, जो मेन हमारा चैप्टर है कैश बुक, तो उसका भी मतलब समझेंगे और उसके फीचर्स देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, ऑलमोस्ट सेम है हमारा कैश के अकाउंट की तरह, मैंने आपको बताया। उसके बाद आएंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक में, कितने टाइप्स ऑफ कैश बुक है, सो एज पर CBSE आपके सिलेबस में सिर्फ सिंपल कैश बुक है, दैट मींस सिंगल कॉलम कैश बुक है एंड डबल कॉलम की कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम वाली इज नॉट इन योर सिलेबस, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम है तो बेटा 2 कॉलम हो गए ना, इसलिए इसे कहते हैं 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है, या फिर डबल कॉलम कैश बुक, मेरे साथ बोलो, एक हो गई हमारी सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक का मतलब है मैम सिंगल कॉलम की कैश बुक, दूसरी हो गई हमारी मैम 2 कॉलम की कैश बुक जिसमें कैश एंड बैंक का कॉलम होता है, इसलिए हम उसे 2 कॉलम कैश बुक या फिर डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमें बताया जाएगा बैलेंसिंग एंड पोस्टिंग ऑफ कैश बुक, अरे ये अगर तुम्हें लेजर की पोस्टिंग आती है तो ये तुम्हें बहुत इजीली आ जाएगा, ये समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर लेजर की पोस्टिंग आती है तो, अगर लेजर नहीं आता तो आपको सारी आगे आने वाली चैप्टर्स में दिक्कत होने वाली है, लेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट। फिर एक पेटी कैश बुक होती है, इसके बारे में हम एंड में जाके डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होता है, इसलिए अभी भी मैं इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल एंड में जाके देखेंगे। और मतलब आपको पेटी कैश बुक ना ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चन उसका दिखेगा ना तो मोस्ट ऑफ द डिटेल्स क्वेश्चन के अंदर ही दी होती है, आंसर में जो लिखनी होती है, तो इट इज वेरी इजी, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये जी मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या है, पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, मैं भी तुम लोगों की तरह ऐसे ही पढ़ूंगी जैसे बिल्कुल तुम पढ़ते हो बच्चों की तरह, ठीक है, और समझेंगे साथ में। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर न्यूमरस, देखो एक बात सुनो, थ्योरी लेक्चर समझ के स्किप नहीं किया करो, व्हाई, बिकॉज आपको भी पता है कि इतने ओवर द इयर्स इवॉल्विंग इयर्स जिस तरीके से CBSE का पैटर्न चेंज हो रहा है ना पेपर देने का, उसके हिसाब से थ्योरी को भी वो ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, अब सारे स्कूल्स में MCQ आते हैं, ठीक है, थ्योरी के भी क्वेश्चन आते हैं, मैं तो 11th में देखती हूँ भैया कई स्कूल 6-6 मार्क के थ्योरी के क्वेश्चन दे देते हैं, बच्चों को एकदम अनएक्सपेक्टेड सा लगता है कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, हम तो पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन करके गए थे, पूरा कैश बुक बनाना सीख के गए थे, ट्रायल बैलेंस जर्नल ये करेंगे वो करेंगे, और उन्होंने तो दे दिया भैया कि बता दो एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक बता दो 6 और 6 नंबर का क्वेश्चन, तो वहाँ पे बिल्कुल ही कहानी खराब हो जाती है। सो आई डोंट वॉन्ट यू गाइज कि आप भी ऐसे इग्नोर मारो थ्योरी को, दिस इज द रीजन कि मैं कराती हूँ, बहुत छोटे से लेक्चर लूंगी, मुश्किल से हाफ एन आवर में पूरा कवर कर दूंगी तुम्हारा थ्योरी, 3 पेज पढ़ने हैं अभी से बता दे रही हूँ, सिर्फ 3 पेज काम के हैं स्टार्टिंग के, फिर पहले क्वेश्चन काम के हैं, फिर आगे जो आएगी थ्योरी तब देखी जाएगी। ठीक है,
चलो, बिजनेस ट्रांजैक्शन आर न्यूमरस एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन इन वन बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. प्राइमरी एंट्री कौन सी बुक होती है भाई? प्राइमरी एंट्री जर्नल की बुक होती है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको. तो कह रहे हैं हमारे लिए ना बहुत दिक्कत वाला काम बन जाता है. क्या दिक्कत वाला काम बन जाता है? कि हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जर्नल में, क्योंकि जर्नल तो बहुत मोटी बुक बनता रहेगा. कितनी मतलब लाइक करोड़ों ट्रांजैक्शन होती है ओवर द ईयर्स बिजनेस में. आप जब बिजनेस ओपन करते हो, कोई इस हिसाब से तो करते नहीं हो यार एक साल बाद बंद कर देंगे, एक दो साल बाद बंद कर देंगे. नहीं, यू सी लाइक आप गोइंग कंसर्न मानते हो उसे, अनफोर्सीन फ्यूचर के लिए चलाना चाहते हो उसे. तो फॉर दैट पर्पस आपको लगता है कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि एक ही प्राइमरी बुक में जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते रहेंगे. तो फॉर एग्जांपल इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन मे रिलेट टू रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, सेल ऑफ गुड्स एंड देयर परचेज. कह रहे हैं बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है. कुछ ट्रांजैक्शन की वजह से कैश आता है, कुछ ट्रांजैक्शन की वजह से कैश जाएगा. कुछ ट्रांजैक्शन में हम गुड्स उधार पे खरीदेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन में हम उधार में सेल भी करेंगे. तो इट इज कन्वीनियंट टू मेंटेन अ सेपरेट बुक फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. सेपरेट बुक मेंटेन करिए फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. वन टू रिकॉर्ड द कैश ट्रांजैक्शन. एक बुक हो गई आपकी भैया कैश ट्रांजैक्शन वाली, लिख रही हूं मैं. एक बुक हो गई आपकी कैश ट्रांजैक्शन वाली कैश बुक, ये हो गई आपकी पहली बुक. ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? अनदर टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस. दूसरी हो गई कि उधार में जो परचेजेस करते हो. देखो परचेजेस जो कैश में करी है वो तो कैश बुक में आई गई, जो उधार में परचेजेस करी है वो परचेज बुक में लिखना. ठीक है, तीसरी हो गई बेटा आपकी उधार में सेल्स, तो सेल्स बुक. कैश में सेल करी तो कैश बुक में आई गई, लेकिन जो उधार की सेल्स है ना आएंगी वो सेल्स बुक में आएंगी. इन्होंने कहा एक हो गई कैश ट्रांजैक्शन वाली, हाँ जी हमने लिख लिया कैश बुक हो गई वो, और एक हो गई क्रेडिट परचेज वाली, वो भी लिख लिया हमने परचेज बुक हो गई. एंड येट अनदर टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल, हाँ जी वो सेल्स बुक हो गई. ठीक है, ये सारी बुक्स हमारी तीन तरीके की हो गई. अभी आगे और भी बुक्स आने वाली है, रुकना जरा, अभी मैं इनके हिसाब से चल रही हूँ, देखते हैं ये कब बताएंगे हमें. बुक ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री. इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल और सब डिविजन ऑफ इट. बेटा ये सब डिविजन वर्ड याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि सब डिविजन ऑफ जर्नल क्या है. तो आपको पता होना चाहिए कि सब डिविजन ऑफ जर्नल क्या है. हमारी सब्सिडरी बुक्स को ही सब डिविजन ऑफ जर्नल कहा जाता है. कह रहे हैं ये जो हमने आपको बुक्स बताई है ना, कैश बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, ये सारी की सारी आपकी ओरिजिनल एंट्री प्राइमरी एंट्री की बुक्स कहलाएंगी. व्हाई? बिकॉज आप सीधा सीधा जर्नल जब करोगे ना, तो जर्नल कैश वाला जर्नल इसमें रिकॉर्ड करोगे कैश ट्रांजैक्शन का, परचेज वाला इसमें रिकॉर्ड करोगे परचेज बुक में, सेल्स का सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट सेल्स का. ठीक है, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ जर्नल. ठीक है, सब डिविजन ऑफ इट. जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड फॉर द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन सच बुक्स. देखो जरा यहाँ पे ये लाइन सुनने में तो बहुत इजी सी लग रही है कि हाँ हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे उन ट्रांजैक्शन के लिए जो इन बुक्स में आ जाए, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओ. क्या ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप जर्नल नहीं रिकॉर्ड करोगे. क्यों नहीं रिकॉर्ड करोगे? क्योंकि आप ऑलरेडी इनके बुक्स मेंटेन कर रहे हो, आप इनके खाते बना रहे हो. तो बेटा आप इन शॉर्ट अनुमान लगा लो दैट दे आर स्किपिंग द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग द ट्रांजैक्शन एंड गोइंग ऑन टू द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग देम. इनका मानना ये है कि कैश में आपने कैश जमा करा, लाइक नहीं नहीं ये वाला ट्रांजैक्शन नहीं लेती हूँ, कैश सेल का ट्रांजैक्शन लेती हूँ. कैश सेल की एंट्री क्या होती है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, सेल्स हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ. ये देखो, एक सेकेंड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ ना, कैश डेबिट टू सेल्स. हम वैसे क्या करते थे अभी तक लेजर वाले चैप्टर में? मान कैश अकाउंट बनाते थे, उसमें टू सेल्स लिखते जैसे 1000 रुपए की हुई. ठीक है, और मान सेल्स अकाउंट बनाते उसमें बाय कैश लिखते 1000. वेरी नाइस, बिल्कुल ऐसे ही करते. अगर आपने ये सही बोला तो मतलब आपको लेजर आ गया है. लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं? आपकी कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है. हाँ जी मैम ये कैश ट्रांजैक्शन है, इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है. कह रहे हैं ऐसा है ना, इसकी जर्नल एंट्री पास मत करना, इसे सीधा सीधा कैश अकाउंट में डालो, सेल्स वाले को मतलब कैश अकाउंट में डालो ट्रांजैक्शन और बस इसका काम खत्म कर दो. मतलब सीधा सीधा एक बार रिकॉर्डिंग दिखानी है आपने, एक ही बार कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग दिखा दो और वो कंप्लाइड मान लिया जाएगा कि आपने अकाउंटिंग का प्रोसीजर एकदम ठीक करा है. ठीक, दे आर डायरेक्टली पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट. मतलब इन्हें डायरेक्ट लेजर अकाउंट में पोस्ट कर दो. आप क्यों कह रहे हैं लेजर अकाउंट? मैंने अभी आपको बताया कैश बुक बनाओगे वो लेजर ही है. कैश बुक बनाना इज अ काइंड ऑफ लेजर ऑफ कैश. ठीक, कैश का अकाउंट में पोस्ट कर रहे हो. दीज बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पज बुक. अब कितने नाम चुन लिए भाई? स्पेशल पर्पज बुक हो गया,
एक हो गया मैम, आपने अभी बताया था ये सब डिविजन कहलाता है, दो हो गए। तीसरा मैम इन्होंने बता दिया स्पेशल जर्नल हो गया। चौथा बता दिया सब्सिडरी बुक्स हो गया। चार नाम हो गए। अब कंफ्यूज तो नहीं हो गए, किसी भी नाम से दे दें। बहुत सारे बच्चे होते हैं सब्सिडरी बुक्स नाम से पढ़ के जाते हैं और पेपर में आ जाएगा कि स्पेशल पर्पज़ बुक बनाइए। अरे ये स्पेशल पर्पज़ बुक क्या होता है? तो यही चीज़ है, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, अब किसी के स्कूल में टीचर ना इन्हें सब्सिडरी बुक्स कहता है तो उसके दिमाग में वही फिट रहेगा यार, सब्सिडरी बुक्स। अगर एग्जाम में पढ़ेगा नहीं थ्योरी की इन्हें और क्या क्या कहते हैं, या टीचर ने स्किप कर दिया नहीं पढ़ाया और नाम आ गया स्पेशल बुक या सब डिविजन बनाओ जर्नल का, तो फिर उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। इसलिए यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरी नेम ऑफ दीज सब्सिडरी बुक्स। क्या क्या नाम है मेरे साथ रिपीट करो एक बार। पहला नाम है मैम इन्हें स्पेशल पर्पज बुक कहा जाता है, दूसरा स्पेशल जर्नल कहा जाता है, तीसरा सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है एंड चौथा इन्हें सब डिविजन ऑफ जर्नल भी कहा जाता है। फिर से रिपीट करो, स्पेशल पर्पस बुक कहा जाता है, स्पेशल जर्नल कहा जाता है, स्पेशल पर्पस बुक एंड स्पेशल जर्नल, दो तो स्पेशल से ही चीजें हो गई बेटा, स्पेशल पर्पस बुक एंड स्पेशल जर्नल। तीसरा इन्हें कहा जाता है सब्सिडरी बुक्स, ये आप बहुत सुनोगे ये तो रट जाएगा नाम आपको, सब्सिडरी बुक्स। एंड चौथा इन्हें सब डिविजन ऑफ जर्नल भी कहा जाता है। क्या? सब डिविजन ऑफ जर्नल कहा जाता है, ठीक है। आइए जी अब आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स और सब डिविजन ऑफ जर्नल। अब इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कितनी हमारी बुक्स है कितनी नहीं है, ठीक। वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं पेज को, क्लासिफिकेशन पे आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स और सब डिविजन ऑफ जर्नल, फिर से गड़बड़ी कर रहा है। हाँ जी बच्चों सुनो मेरी बात, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स और सब डिविजन ऑफ जर्नल। अब ये हमारी सब्सिडरी बुक्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ये हमारी छह पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से छह पार्ट मैम? अभी तक तो आपने हमें सिर्फ और सिर्फ बताया कि एक होती है आपकी कैश की बुक, उसे आप कहते हैं सीबी, मतलब मैं आगे कहूंगी सीबी, वैसे सीबी नहीं कहते। दूसरी होती है हमारी परचेज की बुक, परचेज बुक। फिर एक होती है सेल्स की बुक, और कौन सी बुक होती है जी? और मेंशन करा था मैंने आपको, होती है परचेज रिटर्न की बुक, और एक होती है हमारी सेल्स रिटर्न की बुक। अच्छा ये कट तो नहीं हो जाएगा कहीं? हाँ कट हो जाएगा, चलो यहाँ पे नहीं बनाती हूँ, दूसरा वाला यहाँ पे सेल्स रिटर्न बुक। एक और होती है जी, उसे कहते हैं हम जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। देखो ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा है, अभी समझाऊंगी सब। सब्सिडरी बुक्स आर ऑफ सिक्स टाइप्स, कौन कौन सी? कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक। अब सेल का सेल रिटर्न बुक भी होगा, परचेज का परचेज रिटर्न बुक भी होगा, एक स्पेशल होती है हमारी, उसे हम जर्नल प्रॉपर कहते हैं। अब इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है ये आप जरा थोड़ा सुनना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इलेवेंथ के लिए, ये नहीं पूछा जाएगा, पहले ही बता रही हूँ, बस रीड करना है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आगे जाके ये सारे हमें चैप्टर्स में करने हैं, बनानी है ये सारी बुक्स। तो लिखा है बेटा द जर्नल फॉर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के लिए डिवाइड करा जाता है जर्नल को सब्सिडरी बुक्स में। पहली बुक होती है कैश बुक, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करा जाता है? कैश का लेन देन रिकॉर्ड करा जाता है, कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती है। इसमें क्या रिकॉर्ड करा जाएगा? कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाएंगी, मतलब कि कैश का आना एंड कैश का जाना। कैश के आने को कहते हैं रिसीट्स, कैश के जाने को कहते हैं पेमेंट्स। सो द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट है परचेज बुक, परचेज बुक में क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती है, उधार में जहां से भी खरीदारी हुई है वो सारी परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी। सेल्स बुक में सारी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है, जहां भी सामान बेचोगे आप उधारी पे वो सारी चीजें सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी। उसके बाद परचेज रिटर्न में आपको रिकॉर्ड करना होता है ना कि प्रीवियसली आपने जो भी सामान खरीदा था उधार पे, जो आप उसे आप रिटर्न कर रहे हो किसी भी रीजन की वजह से, तो उसे कहां लिखोगे उन ट्रांजैक्शन को? परचेज रिटर्न बुक में, टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली परचेस्ड ऑन क्रेडिट, याद रखना, ठीक है। उधार पे परचेज करे हुए गुड्स रिटर्न करें, परचेज रिटर्न बुक में आएंगे। उधार में बेचे हुए गुड्स, सेल करे हुए गुड्स रिटर्न करे कस्टमर ने, तो वो सेल्स रिटर्न बुक में आएंगे, रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक। अब ये सारी ट्रांजैक्शन हो गई, लेकिन बिजनेस में तभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है जो कहीं फिट नहीं हो रही हो, जैसे कि डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ करा है मैंने, डिस्काउंट अलाउ करा मैंने
फॉर एग्जाम्पल राम को, ठीक है, 100 रुपए का बजट, तो ये मैं कहाँ लिखूँ? ना तो मैम इसमें कैश है, कैश बुक में नहीं आ सकता, ना परचेज हो रही है क्रेडिट, ना सेल हो रही है, ना परचेज रिटर्न, ना सेल रिटर्न, कौन सी बुक में लिखा जाएगा? तो ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जो किसी भी बुक में नहीं आ पा रही होंगी फिट, उसे हम लिखेंगे जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रॉपर जर्नल ही बनता है, तो उन्होंने नाम लिख दिया जर्नल प्रॉपर, प्रॉपर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द बुक। जो कहीं भी फिट नहीं हो रहा वो कहाँ जाके फिट होगा? जर्नल प्रॉपर में जाके फिट होगा, ठीक है। चलो एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। सब्सिडरी बुक्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? देयर आर टोटल 6 एडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक, पहला एडवांटेज लिखा है इन्होंने डिविजन ऑफ वर्क। पहला एडवांटेज लिखा है इन्होंने डिविजन ऑफ वर्क। अब देखो लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ, इसका मतलब समझाऊंगी, अपना एक्स्ट्रा बोलूंगी, ठीक है। इसका तो लाइन बाय लाइन आपको मीनिंग समझा दूंगी, ये आ सकता है इसलिए बोलूंगी कि इसे लर्न कर लेना, लर्न एटलीस्ट 4 पॉइंट, लर्न एटलीस्ट 4 पॉइंट। Division of work, accounting work can be divided among a number of persons since subsidiary books are maintained for each category of person. ठीक है, इसका हिंदी में मतलब हर एक इंसान को एक बुक दे दो मेंटेन करने के लिए, लिख लेना ये, ठीक है बेटा। जब सब्सिडरी बुक्स अलग अलग ही बन रही हैं, सेल सेल रिटर्न, परचेज परचेज रिटर्न, कैच बुक, जर्नल प्रॉपर, तो भाई अलग अलग इंसान को अलग अलग बुक दे दो ना, एकदम सही करेक्ट काम करेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी उसे। एक इंसान एक बुक में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, गलती करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन अलग अलग इंसान अलग अलग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे हमारी एक सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे अलग अलग इंसान, तो यहाँ पे हमारे एरर के चांसेस कम होते हैं। सो अकाउंटिंग वर्क कैन बी डिवाइडेड अमंग अ नंबर ऑफ पर्सन, बहुत सारे पर्सन में डिवाइड कर दो। सबसे सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन, हर एक कैटेगरी के मेंटेन करा जाता है। यूजुअली ऐसा होता तो नहीं है बेटा, सारे अकाउंटेंट्स जो भी काम करते हैं सभी सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं, इकलौता इंसान या दो इंसान मिलकर, लेकिन भाई ये थ्योरेटिकल पर्पस के लिए आप ये समझ लो कि हाँ ये एक एडवांटेज हो सकता है। अगर आपको डिवाइड करना है वर्क, पूरा बोझ एक पे नहीं डालना है जर्नल का, तो आप डिवाइड करिए वर्क एंड थोड़ा थोड़ा सबसे करवाइए, मतलब एक बुक एक से बनवा लो, या फिर ऐसा कर लो 6 बुक हैं तो 3 एक को दे दो, 3 एक को दे दो, ऐसे भी कर सकते हैं। सेकेंड है स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। अब स्पेशलाइजेशन पहले वाले से ही पॉइंट निकल के आया है। स्पेशलाइजेशन का मतलब ही यही होता है, जब एक इंसान को एक ही काम बार बार करवाया जाता है ना, तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। अब आप बताओ, मैं पूरे साल आपको कहूँ, आप जैसे फॉर सपोज आप 10 स्टूडेंट्स हो, मैं आपको एक स्टूडेंट को कह दूं भाई तुझे पूरे साल जर्नल पढ़ना है, एक को कह दूं तुझे पूरे साल लेजर पढ़ना है, तो वो पूरे साल अगर वही वही पढ़ते रहेंगे तो वो उस चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक। स्पेशलाइजेशन में लिखा है सेम वर्क इज हैंडल्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। जैसे आप एक इंसान हैंडल कर रहे हो जर्नल को, आप वही पढ़े जा रहे हो, उस पर ही नॉलेज गेन करे जा रहे हो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जा रहे हो, तो आप उसमें स्पेशलाइज हो जाओगे। मैं आपको कहूंगी यू आर अ स्पेशलाइज पर्सन इन फील्ड ऑफ जर्नलाइजिंग, कि आपको जर्नल की इतनी एक्सपर्टीज आ गई है, ठीक है, एंड बिकम्स मोर एफिशिएंट इन हैंडलिंग इट। अब आप मेरे को बताओ, जो इंसान जर्नल पूरे साल कर रहा है और जो इंसान जर्नल सिर्फ 10 दिन पढ़ रहा है, एफिशिएंट कौन होगा? कौन जल्दी क्वेश्चन करेगा और अच्छे मैनर में क्वेश्चन करेगा, ठीक क्वेश्चन करेगा, सही काम करेगा? तो मैम वही करेगा जो पूरे साल जर्नल पढ़ रहा है। ये भी यही कह रहे हैं बेटा, अगर आप स्पेशलाइजेशन करवाते हो, मतलब एक व्यक्ति से पर्टिकुलर बुक मेंटेन करवाते हो, तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा और वो काम अपना एकदम करेक्ट काम करेगा और वक्त से पहले आपको काम खत्म करके भी दे देगा, ठीक। थर्ड है हमारा सेविंग ऑफ टाइम। वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी अंडरटेकन साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ नंबर ऑफ बुक्स लीडिंग टू कंप्लीटिंग द वर्क टाइमली। अलग अलग बुक मेंटेन कर रहे हो, अलग अलग इंसान में बांटो यार, तुम्हारा काम जल्दी होगा। एक इंसान से सब कुछ कराओगे बहुत देर लग सकती है उसे करने में, लेकिन वही काम अगर टुकड़ों में बैठ के लोगों से करवाओगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज है, बस इतनी सिंपल सी। हेडिंग एग्जैक्ट लर्न करना, पहले ही बोल रही हूँ, एग्जैक्ट हेडिंग लर्न करना, वरना मार्क्स नहीं मिलते हैं। Availability of information. Since separate book is maintained for each type of transaction, information relating to each type is available at one place. मैंने आपको बताया ना कि अगर जर्नल की मोटी मोटी बुक्स मेंटेन करूंगी, अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को कोई एक ट्रांजैक्शन की जहां मैंने मशीनरी परचेज करी है पैसों में,
तो पूरे जर्नल छाटती रहूंगी कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन की, और यही बेटा मेरी अलग अलग बुक्स मेंटेन होंगी, तो मैं क्लासिफाई करूंगी यार जो ये मैं मशीन खरीदी है इसमें कैश का लेन देन हुआ है, हाँ कैश का लेन देन तो हुआ है, कैश तो गया है, तो सीधा कैश बुक उठाती हूँ ना उसमें देखती हूँ जल्दी मिल जाएगा मुझे, और बुक से लेना देना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटी इन चेकिंग, चेकिंग की फैसिलिटी कैसे है, इन केस ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, आपका ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं करता, मैंने लेजर के लास्ट वाले क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया था एक बार, अगर वो मैच करता है मतलब आपकी डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है, अगर मैच नहीं करता है तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है। अब आप खुद सोचो बेटा जब मैच नहीं करेगा और गड़बड़ निकलेगी तो वो गड़बड़ को ठीक कैसे करोगे, पहले की सारी चीजें देखोगे, ट्रायल बैलेंस से पहले क्या क्या करते हो आप, लेजर पोस्टिंग करते हो मतलब सब्सिडरी बुक्स बनाते हो वो चेक करनी पड़ेगी। इन केस द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच लोकेटिंग द एरर्स और एरर्स इज फैसिलिटेटेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट बुक्स सिंस द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज लेस इन ईच सब्सिडरी बुक एज कंपेयर to only one journal, it is easy to locate the error. अब देखिए, अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, मैच नहीं करा, गलती लोकेट करनी है, अगर एक ही जगह जर्नल की बहुत मोटी मोटी बुक होगी तो आपको पूरी बुक्स चेक करनी पड़ेगी, है ना। वहीं बेटा अगर अलग अलग बुक बनी होगी मतलब सब्सिडरी बुक्स होंगी तो आप ना थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि यार ट्रांजैक्शन ना हमारी सेल की थोड़ी गड़बड़ होती रहती है, हो सकता है उसमें गलती हुई हो, तो आपने एक एस्टिमेट लगाया अपना एंड पहले कौन सी बुक चेक करोगे, सिर्फ सेल्स की बुक चेक करोगे। अब यहाँ गलती पकड़ी गई तो बाकी की आपको 5 बुक चेक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज आप सेल के बाद अनुमान लगाओगे यार सेल में गलती नहीं है ना तो सेल की रिटर्न में जरूर होगी, वो चेक करते हैं, तो इट्स लाइक कि काम थोड़ा कम है आपका, आपको एक बुक चेक करनी है और उसमें एरर निकला तो भाई बाकी नहीं चेक करनी है। और अगर जर्नल बनाए तो पूरा जर्नल चेक करो, कितने भी हजारों ट्रांजैक्शन हो पूरा ही चेक करना पड़ेगा। लास्ट इसका ये बनता है पॉइंट आपका रिस्पांसिबिलिटी, अब रिस्पांसिबिलिटी कैसे, अरे क्या हो गया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स कर सकते हो, आप खुद बताओ बच्चे, आपने एक काम एक इंसान को करने के लिए दिया है, अगर मैंने सारी बुक्स अलग अलग इंसान को बांट दी है कि भाई तू बनाएगा परचेज बुक, तू बनाएगा सेल्स बुक, तू ये वाली बुक बनाएगा, तू ये वाली बुक बनाएगा, तो मेरे को जहां गलती नजर आएगी, मेरे को पता चला यार गलती परचेज बुक में हुई है, तो मैं किसको फटकार लगाऊंगी, सिर्फ परचेज बुक बनाने वाले को, क्योंकि मेरे को पता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी परचेज की ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, मतलब यही कहीं काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो इट इज लाइक कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है हर एक इंडिविजुअल की। अब वो लोग ना डरते हैं अंदर से कि यार अगर मेरी बुक में गड़बड़ी निकली ना तो मेरी शामत आ जानी है, इसलिए जो मेरे को काम असाइन करा गया है वो मैं अपना फुल्ली दिमाग खोलकर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वो काम निपटाऊं जल्दी से जल्द। ठीक है, आगे क्या इन्होंने नोट दिया, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस कैश बुक व्हाइल अदर सब्सिडरी बुक शैल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस वाले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कैश बुक के बारे में डिस्कशन होगा, अभी आपको इन्होंने ओवरव्यू दे दिया कि कितनी बुक्स होती हैं और कितनी बुक्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ कैश बुक पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वाले चैप्टर में बाकी सारी बुक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो तुम नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज है हमारा कैश बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, कैश बुक फाइनली आपका चैप्टर अब शुरू हुआ है, स्वागत है आपका नए चैप्टर में, आप कैश बुक का शुरुआत हुई है एंड कैश बुक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बस हार्डली गिव मी 10 मिनट्स एंड मैं ये लेक्चर कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, कैश बुक इज अ बुक इन विच रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन कैश एंड थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड। हाँ जी, ये तो हमें पता है कि कैश बुक में कैश आती है जब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, कैश जाती है तब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है एंड बैंक की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होंगी आगे जाके। आगे लिखा है बेटा कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी एंट्री क्या होता है, प्राइमरी एंट्री मतलब पहली बार एंट्री कर रहे हो, इसे हम कहते थे प्राइमरी एंट्री जर्नल को। ठीक है, याद होगा जर्नल को प्राइमरी एंट्री कहा जाता था। अब कैश बुक को प्राइमरी एंट्री क्यों कहा गया है, सुनो ध्यान से मेरी बात, कैश बुक को प्राइमरी एंट्री इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन कैश की या बैंक की होगी वो सबसे पहले हम डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे कैश बुक में, हमें उनका जर्नल बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हाँ जी, ये तो हर जगह चलेगा अकाउंटेंसी में कि जो ट्रांजैक्शन पहले हुई है पहले वही रिकॉर्ड करना है आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही जर्नल बनेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लेजर बनेगा। आगे रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। अच्छा, एक्सक्यूज मी फॉर माई थ्रोट, थोड़ा सा आवाज़ अगर आपको अलग आए
तो मेरे को थोड़ा सा कोल्ड है, इसलिए मे भी आवाज ठीक नहीं आ रही हो मेरी। आई एम ट्राइंग कि सही आवाज आए। इन द ऑर्डर दे टेक प्लेस, रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक व्हाइल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। इस लाइन से ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, इस लाइन से सिर्फ इतना सा कहना चाह रहे हैं, जो आप कैश का अकाउंट बनाते हो नॉर्मली, वैसे ही कैश की बुक बनेगी बेटा। तो मैंने अभी आपको बताया कि कैश इज एन असेट, असेट का इंक्रीज डेबिट में रिकॉर्ड होगा एंड डिक्रीज क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो जब भी हमें कोई पैसे मिल रहे हैं, इन्होंने बोला ना यहाँ पे देखो, कैश रिसीट्स कान कान गया, आ, 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 हाँ जी, रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो पैसा मिल रहा है ना, पैसा मिल रहा है तो असेट पे ही रिकॉर्ड होगा, ऑब्वियसली डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड होगा, असेट है तो। एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, तो पैसा जा रहा है एंड कम होगा तो मैंने माइनस पहले ही लिख रखा है, क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा, बस इतना ही बताया। फिर क्या बताया, बैलेंस्ड बाय डिडक्टिंग टोटल पेमेंट्स फ्रॉम टोटल रिसीट्स। ये तो माँ हमें आता है कि दोनों साइड का टोटल करो, जो ग्रेटर टोटल है वो लिख दो, और बैलेंसिंग फिगर जहाँ लिखे वहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो टू बैलेंस कैरी डाउन या बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखना होता है। चलो जी, आप तो इंटेलिजेंट हो, आपको ये चीज आती है ऑलरेडी। अब इसके बाद जी फीचर्स ऑफ कैश बुक पे आइए। फीचर्स ऑफ कैश बुक ये भी आ सकता है, मतलब इसे ना आप थरली भी पढ़ लोगे ना तो भी आपको इसके पॉइंट्स याद रह जाएंगे। 3 पॉइंट्स आई वुड रिकमेंड कि 3 पॉइंट्स तो याद करके ही जाना। अगर याद नहीं करते हो तो मन से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली ऐसे ही याद हो जाएंगे। इसमें बोल रहे हैं ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हाँ जी, ये बात भी हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि कैश का ट्रांजैक्शन कैश के साथ बेटा जब डबल कॉलम में कैश बुक बनती है तो बैंक की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होंगी। दूसरा, कैश रिसीट्स एंड चेक्स डिपॉजिटेड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड व्हाइल कैश एंड चेक पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। जैसे कैश का अकाउंट बना वैसे ही बैंक का अकाउंट भी बनता है, तो दोनों का नेचर सेम है। जब जब कैश आएगी डेबिट में रिकॉर्ड होगी, जब जब कैश जाएगी क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी। जब जब चेक आया किस लिए बेटा, चेक हमारा, ये देखो चेक डिपॉजिटेड, जब जब चेक आया हमने जमा करा, डिपॉजिट करा, तो पैसे बढ़ेंगे डेबिट में रिकॉर्ड होंगे, और जब जब हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी तो पैसे कम होंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट इज कैश। इसका मतलब क्या है, अभी पीछे एग्जाम्पल लिया था एक जगह, ये एंट्री लिखवाई थी आपको, कैश डेबिट टू सेल्स 1000 1000। अब मुझे ये बताओ कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक मतलब कैश अकाउंट मान के समझना। मैम कैश को देखेंगे ही नहीं, टू सेल्स 1000 लिख देंगे एज इट इज डेबिट में, ऐसे लिख देंगे मैम, टू सेल्स 1000। बेटा दो एस्पेक्ट होते हैं जर्नल एंट्री में, एक तो डेबिट एक तो क्रेडिट, डेबिट था कैश क्रेडिट था सेल। आपने कौन सा एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा, आपने मैम हमने सेल का एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा। सेल के एस्पेक्ट से इफेक्ट किसका दिखाया, कि कैश बढ़ रही है या घट रही है, मतलब आपने कैश का एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा है सिर्फ एक एस्पेक्ट। क्या आप यहाँ सेल्स का एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, नहीं। तो उन्होंने यही बात लिखी कि यहाँ पे एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा कैश का एस्पेक्ट। ये पॉइंट अच्छा लगा मेरे को, ये मार्क कर लेना, ये जरूर याद करते जाना। और अगर आपसे वाइवा में भी टीचर पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए, मैं इसलिए ये नॉलेज दे रही हूँ आपको, वरना मैं बहुत फटाफट थ्योरी को आगे बढ़ा सकती हूँ। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो ये रहा कीवर्ड, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑलरेडी बता दिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करा जाता है, जो पहले ट्रांजैक्शन हुई है वो पहले रिकॉर्ड होगी। पहला पॉइंट बताया बेटा, कैश एंड बैंक की ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, बहुत बेसिक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि डेबिट साइड पे जो हमारा पैसे आए हैं चेक डिपॉजिट हुए हैं वो आएंगे, क्रेडिट साइड पे जो हमारे पैसे गए हैं चेक से पेमेंट हुई है वो आएगी। तीसरे में इन्होंने हमें बताया कि हम सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, जहां भी कैश आती है। चौथे में इन्होंने हमें बताया कि ट्रांजैक्शन कैश एंड बैंक की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करी जाती है, मतलब जो ट्रांजैक्शन पहले हुई है वो पहले रिकॉर्ड करी जाएगी। लास्ट एंड ऑल ये बता रहे हैं कि इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम। अब ये देखना जरा, हमारा कैश बुक जो है हम उसके लिए जर्नल बनाते ही नहीं है, कैश बुक बनाते हैं तो, एंड कैश बुक खुद में ही एक लेजर होता है, तो मतलब हम उसका लेजर ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जर्नल एंड लेजर डुअल पर्पस सर्व कर दिया किसने, हमारा कैश बुक ने डुअल पर्पस सर्व कर दिया। 5 पॉइंट है, जो आपको अच्छा लगे वो आप याद करना। मैं अगर होती तो मैं आपको कहती एक ये याद करो भाई, तुम लोग एक ये याद कर लो, एक ये याद कर लो, बाकी आपकी मर्जी है, मार्क्स आपको सब में मिलने वाले हैं। अब एक लास्ट टॉपिक छोटा सा वो कवर करते हैं, क्लास ओवर करते हैं।
देखो अब जो आगे का टॉपिक है ना, बहुत छोटा सा एक थ्योरी का टॉपिक है, वो मैं ऐसा करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको क्वेश्चन करना शुरू कराऊंगी तभी समझा दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। एंड अभी इट इज अराउंड 35 मिनट्स हो गए हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत बोरिंग लेक्चर हो गया, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, तो मैं नहीं चाहती कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं एंड में पढ़ाऊँ एंड आप लोग देखो भी ना उसे, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना पूरा रख के। बहुत सारे बच्चे आगे बैठे तो होंगे लेकिन माइंड कहीं और होगा, ठीक है, सो आई डोंट वॉन्ट दैट। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं ऐसे, नेक्स्ट क्लास से बच्चे हम लोग शुरू करने वाले अपने क्वेश्चंस। बहुत इजी रहेगा, आप मान के चलिएगा, अगर आपको लेजर आता है तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है, कुछ भी नहीं है, इतना इजी तरीके से बताऊंगी ना सब हो जाएगा। रट्टे वाले तरीके से भी बताती हूँ, लॉजिक वाले तरीके से भी बताती हूँ। लॉजिक तब लगाओ जब टीचर तुमसे पूछे कि भाई ये है क्या, और अपने समझने के लिए किसी को समझाओ तो लॉजिक से समझाओ। जब पेपर में सॉल्व करने बैठते हो ना तो जितना आपको आता है रट्टे वाले तरीके से, क्योंकि पेपर में क्या होता है विद इन सम टाइम हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो वहां हम ये नहीं सोचेंगे ओ ये ट्रांजैक्शन हुई है इसका ये इंपैक्ट होगा, नहीं भाई जल्दी से रिकॉर्ड करो और आगे बढ़ो, बिकॉज़ वी वांट टू गेन मैक्सिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे इसके क्वेश्चन कैश बुक के, एंड जल्दी जल्दी से करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।